आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं चांद के उन रहस्यों के बारे में। आखिर चांद के वो कौन से रहस्य हैं जिसे पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां जानना चाहती हैं, और आज पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों के बीच चांद पर पहुंचने की होड़ मच गई है। तो दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों पहले नासा, रूस और चीन, और अब अपना देश भारत आखिर क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है पूरी दुनिया, और क्या है चांद से जुड़े वह डार्क सीक्रेट जो स्पेस एजेंसियां हमसे छुपा रही हैं। दोस्तों जानेंगे धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, और वहीं रूस का लूनर 25 चांद की सतह पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया, जबकि साल 2024 में नासा भी अपने आर्टिमिस्ट प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने वाला है, और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जो चारों ओर चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है, और चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो दोस्तों जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के इस रोमांचक सफर की कुछ खास बातें। तो दोस्तों जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों चांद हमारी पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर दूर है, और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास डिस्टेंस में ही हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे, जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें वो पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रूट से आगे बढ़ेगा और फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि यह रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेस क्राफ्ट चाहिए होगा, और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफी थक भी जाएंगे। इसलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं, और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। और दोस्तों जब स्पेस क्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि दोस्तों चांद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। और दोस्तों स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद की सतह पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा, और इस वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं। और दोस्तों इसलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना बहुत जरूरी है। खैर दोस्तों अगर अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है, और यहाँ जगह जगह चट्टाने, पहाड़, बड़े बड़े क्रेटर यानी कि गड्ढे चांद पर मौजूद है। और दोस्तों ये गड्ढे चांद पर उल्का पिंडों के गिरने की वजह से बने हुए हैं, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो यह 100 मीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बड़े हैं। और दोस्तों वहीं चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सोल की अगर हम बात करें तो यह बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है, और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क
बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। और दोस्तों, इस मिट्टी में खुदरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान वहां बन जाएंगे। और इसी वजह से चांद पर पहला कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। और दोस्तों, अब चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद साथियों, आप अपनी नजरें ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी दिखाई देगी। और जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है। और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप खुश हो जाओगे। और दोस्तों, अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग से भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। यह कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट ने फेंका है जो चांद पर जा पाए। दरअसल इस बैग में इनका मल मूत्र और खाने के रैपर और बिस्कुट हैं। और आप अगर चांद के उस हिस्से पर उतरते हैं जहां पर 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश होकर गिरा था, तो वो आज भी आपको उतनी ही बुरी कंडीशन में मिलेगा, क्योंकि क्रैश होने के बाद ना तो वहाँ बारिश और ना ही तूफानी बवंडर से रूबरू हुआ है। इसलिए अगर आप उसे अपनी स्पेस क्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आए तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट पर अचानक उल्का पिंडों की बारिश हो जाती है, और यहाँ पृथ्वी पर तो अच्छा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन उल्का पिंडों को या तो साइड में ढकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फियर इसे धरती तक पहुँचने से पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है, इसकी ग्रेविटी भी बहुत कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्का पिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उल्का पिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा।